नेटफ्लिक्स के जो है लस्ट जूस 2 में नीना गुप्ता वरिष्ठ हमारी कलाकार है, वो जो है ऐसी दादी का कैरेक्टर करती है, जैसी दादी कभी भारत में देखने को नहीं मिलती। क्या बोलती हैं, छत्तीसगढ़ 36 गुण मिले या ना मिले, लेकिन ये अच्छा होना चाहिए। 36 के 36 गुण मिले ना मिले, अगर सेक्स अच्छा होगा तो ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। शाबाश। तो सोचो ऐसी कैरेक्टर करती है जो कि मंत्र जाप करती है, मंत्रों का चैंट करती है, अपने आप को भक्ति में दिखाती है, लेकिन बोलती क्या है अपने बहू से, शारीरिक सुख के पीछे भागो, काम क्रोध लोभ मोह वासना के पीछे भागो, अपने आप से पूछो, बोलती अपने बहू को कि क्या तुम खुश हो इस शादी से। तो सोचो नेटफ्लिक्स क्या दिखाना चाहते हैं भाई साहब, इतना वो कंटेंट डाल रहे हैं नेटफ्लिक्स जिससे जो भारतीय युवा का जो उत्पीड़न किया जा रहा है, मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है कि शादी से पहले ये करना आवश्यक है। क्या दिखाया जा रहा है, तो आखिर नेटफ्लिक्स ये वोकिज्म क्यों दिखा रहा है, ताकि भारतीय युवा जो है शादी से पहले अपनी मैच्योरिटी को तोड़ के जो है वर्जिनिटी तोड़ना का जो आज फैशन जो चल रहा है उसको जो फॉलो करे। नेटफ्लिक्स जो है भारतीय सनातन वैदिक परंपरा जो आई है उसको जो है शारीरिक रूप में लेके जा रहा है कि मानसिक जो सुख होता है, जो अपने आप में स्पिरिचुअल होता है, उसको जो है शारीरिक वासना से जो है जोड़ के देखा जाए। नेटफ्लिक्स ये कहना चाहता है कि शारीरिक सुख के पीछे भागो, शारीरिक फिजिकल वासना के पीछे भागो, ये जो आध्यात्मिक चेतना होती है जो सनातन में जो बताया जाता है कि ध्यान करो, ये सब तो फर्जी बातें, तो झूठे बातें, इससे कुछ नहीं होता। आप शारीरिक सुख के पीछे भागो, आपका मन जो कहता है वो करो, आप भोगों के पीछे भागो, आप काम के पीछे भागो, आप लड़की के पीछे भागो, आप पैसे के पीछे भागो, जितना शारीरिक सुख जितना आपको डिमांड कर रहा है शरीर उसके पीछे भागो। क्यों, ज्वालामुखी फूटना चाहिए ना भाई साहब, क्या बोलती हैं नीना गुप्ता कैरेक्टर, ज्वालामुखी फटना चाहिए। तो आप जी की तरह एक ज्वालामुखी है जिसे फूटने से ही संतुष्टि मिलती है। आपको इसके पीछे भागना है कि शारीरिक सुख आप कितना प्राप्त कर सकते हो, यह तो कहना चाहता है नेटफ्लिक्स। सनातन को छोड़ दो, यहाँ दादी को जो है मंत्र जाप करते दिखाया गया है, वो दादी भी ऐसे मंत्र जाप नहीं करती भाई साहब, वो जो है एडवाइस देती है अपने पोती को कि जाओ टेस्ट ड्राइव लेके आओ शादी से पहले, टेस्ट ड्राइव समझ रहे हो ना, वो लेके आओ, उसके बाद जो है आपका शादी सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल वो माना जाएगा। मतलब जिनके साथ उनके शादी फिक्स होगी ये नहीं फिक्स हो पाएगा, तो जितने के साथ शादी होगी उससे पहले उनको टेस्ट ड्राइव लेना पड़ेगा। मतलब ऐसे दादी बोल रही है, ऐसी होती है भारतीय दादी नेटफ्लिक्स वालों के नज़रिए में। तो सोचो कितना घटिया तरीके से भारत को जो नेटफ्लिक्स वाले प्रदर्शित करते हैं, इसका आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आप नेटफ्लिक्स को फॉलो करते हैं, आप इसको बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करते हैं, ऐसे घटिया कंटेंट वोगिज्म वाले प्रमोट करने नेटफ्लिक्स को बैन कर देना चाहिए भाई साहब भारत से। देखो और बताता हूँ ना, नीना गुप्ता कैरेक्टर, नीना गुप्ता का जो कैरेक्टर है वो दादी है, क्या करती है वो अपने पोती को जो है ये सलाह तो देती ही है कि टेस्ट ड्राइव ले लो ठीक है शादी से पहले, लेकिन वो खुद मंत्र का चैंट करती, संस्कृत मंत्रों का चैंट करती है। अर्थात इसमें यह भी दिखाया जाता है कि बूढ़े लोग जो होते हैं वही जो है केवल सनातन को फॉलो करते हैं, वही केवल भक्त हो सकते हैं, और बाकी जो उनके जो नए नए जो युवा पीढ़ी के जो है तो वो तो सिर्फ ओयो जाओ काम करो, ओयो जाओ काम करो, बस वही होता है, इंग्लिश मारो इंग्लिश बोलो, यही है वोकिज्म। और यही जो है युवा पीढ़ी को भारतीय को दिखाएगा, मतलब अगर अर्थात मैं जो है युवा आज भारत का जो है सनातन को फॉलो करता हूँ, सनातन परंपरा को जो है पालन करता हूँ, तिलक लगाता हूँ, सनातन धर्म के लिए कलावा बांधता हूँ और बाकी जो कर्मकांड है वो फॉलो करता, भगवान के मंदिर जाता हूँ, तो भाई मैं तो पिछड़े वर्ग का हूँ, मैं तो आबा बाबा आदम के जमाने का हूँ, मैं कोई मॉडर्न थोड़ी हूँ भाई साहब, मैं तो दारू नहीं पीता, मैं तो क्लब में नहीं जाता, मैं 2-2 बजे रात तक नहीं जागता, तो मैं कोई थोड़ी मॉडर्न हूँ भाई साहब, या फिर हमें कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर हमने वर्जिनिटी तोड़ी है, तो हम कोई मॉडर्न थोड़ी है, हम तो घटिया परंपरा रूढ़िवादी सोच के हैं, बाह्य आडंबर करने वाले हैं, जो कि पढ़ाया जाता है इतिहास में कि हम बाह्य आडंबर करने वाले, हम तो भ्रष्ट हैं, हम तो कलंकित हैं, समाज के कलंक लगाने वाले हैं, हम तो ढोंगी हैं, ऐसे ही आपको थप्पा लगा दिया जाता है, आपको अंधभक्त घोषित कर दिया, जो कि आज सो कॉल्ड अंधभक्त का ट्रेंड है ना कि मोदी के थोड़े बारे में सपोर्ट कर दो तो आप अंधभक्त, भक्त इतना बड़ा महान शब्द है भाई साहब, इसको जो है अंधभक्त अंधभक्त करके इतना गिरा हुआ शब्द बना दिया। भक्त का अर्थ समझते हो, भक्त क्या होता है, कितने बड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं भक्तों को, कितने बड़े बलिदान देना पड़ता है किसी को भक्ति करने के लिए। मीराबाई के नाम सुने हैं आपने कभी, भक्त ऐसे होते हैं, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, वाल्मीकि, इतने बड़े बड़े महान हमारे संत हुए, इतने बड़े बड़े महान भक्त हुए, ऐसे होते हैं भक्त। ऐसे कोई अंधभक्त मोदी जी के बारे में कुछ अच्छा बोल दो तो अंधभक्त का टाइटल देने से कोई भक्त नहीं होते, भक्तों की जली ना ऐसे बोलने से भक्त नहीं होता मेरे भाई, भक्त एक बहुत बड़ा एक शब्द है जिसका अपमान आज के आधार इतना गिरा हुआ शब्द बना दिया गया है। तो यही बात है कि नेटफ्लिक्स जो है सनातन की परंपरा, जो हमारी दादी जो होती है, हमारे जो पूर्वज, हमारे जो बड़े होते हैं, हमसे बुजुर्ग होते हैं ना वरिष्ठ, वो हमें अगली पीढ़ी को संस्कार देने का कार्य करते हैं कि किस प्रकार से जीवन जिया जाता है, अपने अनुभवों से जो है सीखते हैं हम, ये नहीं कहते कि टेस्ट ड्राइव ले लो, ये कर लो वो कर लो, शारीरिक सुखों के पीछे भागो, वासना के पीछे भागो, ये हमें शिक्षा नहीं देती भाई साहब। आप अपने घर में बताइए कौन सी दादी है जो ऐसे शिक्षा देती है अपने पोती पोतियों को कि टेस्ट ड्राइव लो, ऐसा करो जितना हो सके हो। वो अलग बात है कि अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन बोलती है अपने जो
गर्भवती के बारे में कि शादी से पहले जो करना चाहे कर ले गर्भवती हो, वो उन लोग का फॉलो, वो उन लोग का कल्चर है भाई। बॉलीवुड का कल्चर सनातन का या भारत का कल्चर नहीं है। इंडिया अलग चीज़ है, भारत अलग चीज़ है। भारतवर्ष में ऐसे कोई भी परिवार आपको नहीं मिलेगा जो कि अपने परिवार को, अपने भाई बंधु को, अपने जो है पुत्र पुत्रियों को ऐसी शिक्षा दे। इस ये शादी तब तक नहीं होगी जब तक वेदा और अर्जुन। हे भगवान, चाहती क्या हो तुम? रिश्ता करने से पहले हर लड़के के साथ अच्छी क्या अच्छी है क्या अच्छी। शादी से पहले आप यही वासना के पीछे भागो, यही सब चीज़ है, जीवन का आधार यही है। ये बिल्कुल एक घटिया सोच है और इसको जो है नेटफ्लिक्स जो है अपने वोकिज्म के जो कंटेंट है उस पर दिखाता रहता है। लास्ट स्टोरी तो एकमात्र तरीका है जहाँ तमन्ना के बारे में लोग बात करते हुए बनाए ही हैं कि तमन्ना जैसे इतने वरिष्ठ युवा जो सनातन जो परंपरा का सपोर्टर है, ऐसी एक्ट्रेस से जो है हम ऐसी उम्मीद नहीं करते लेकिन बनाते ऐसी है। अब देखो भाई क्या है वोकिज्म के नाम पे, वही बात है कि लस्ट स्टोरीज नाम ही तो केवल लस्ट लस्ट लस्ट, केवल वही वाले बात इसको जो है ये लोग दिखाते हैं। तो आप इस कदम क्या कहने को बताइए।